हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज यहाँ मैं कोई DIY या हेयर केयर या स्किन केयर कुछ नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाई हूँ जिन्हें आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अट्रैक्टिव और मोर ब्यूटीफुल आप बन सकते हैं। आपको क्या ऐसा करना है, क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं, तो वीडियो में आपको कंटिन्यू रहना है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हर किसी के लिए। तो फर्स्ट टिप क्या है? कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, सबसे सुंदर इंसान है। एग्जांपल देती हूँ, आप सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, वो चीज़ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करती है। बट आप एक दिन इस चीज़ को, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कीजिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, आई एम ग्रेट। तो आपके अंदर खुद से ये फीलिंग आएगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, अपने जो मैं आपको टिप्स दूंगी उनको इम्प्लीमेंट करके, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हैं और मोर ब्यूटीफुल बन सकते हैं। सेकेंड टिप है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप घर में रहती हैं, काम काज घर का क्या करती हैं, सुबह उठती हैं, खाना बनाया, नहाया धोया, अपने घर के जो भी काम धंधे हैं वो सब करती हैं, बट अपनी सेल्फ ग्रोथ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, घर के कामों में लगी रहती हैं। तो सेल्फ ग्रोथ जो है बहुत ज़रूरी है। कुछ घर बैठे ही आप ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे आप खुद अपने घर में भी कुछ हेल्प कर सके, अपनी सेल्फ ग्रोथ कर चुके। पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। इसके बाद आता है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लर्न टू से नो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब तक आप किसी के सामने 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे, तो जो आपकी वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप हर समय तो नहीं मैं बोल सकती कि सबको नो बोलिए, बट जहाँ ज़रूरत है आप एकदम टोटली रिग्रेट कर दीजिए, उस बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है कि हमने क्या किया है, बट लर्न टू से नो, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है, ये भी एक सेल्फ केयर का ही पार्ट है, जिसमें आता है एक्सरसाइज। आप ऑल डे काम करते हैं, घर के सभी काम करते हैं, अपने घर के बड़ों का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, घर में जो भी इंसान है सबका ध्यान रखते हैं, बट अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सब काम कर रही हैं, सेल्फ केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेल्फ केयर नहीं करेंगे, अपनी खुद पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल कैसे दिखती हैं? सेल्फ केयर एक सेल्फिश नहीं है कि आप सब कुछ कर रहे हैं बट सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं। आप सेल्फ़ केयर कीजिए, अपने दिन में ऐसा शेड्यूल बना लीजिए कि आपको इतना टाइम जो है अपने ऊपर स्पेंड करना है। अगर आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करोगे ना, तभी आप दूसरों पर कर पाओगे। अगर आप हेल्दी हैं तो आप सभी को हेल्दी रख सकते हो। इसके अलावा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी चाहिए। किसी को मत बोलिए कि ये काम आपका है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो खुद निभाइए, किसी पर डिपेंड मत रहिए। अपनी पर्सनल ग्रोथ को इतना इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद ले सकें। उसके बाद 7 टिप जो आता है वो है स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी लाइफ में बी पॉजिटिव रहना, नेगेटिविटी से दूर रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको हर तरफ पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी। अगर आप खुश रहेंगे, पॉजिटिविटी से सोचेंगे, तो हर जगह आपको खुशी ही मिलने वाली है। इसके बाद आता है वार्मली बिहेव कीजिए सबके साथ, फ्रेंडली रहिए। फ्रेंडली अगर आपका नेचर होगा ना, तो आपको सभी लोग पसंद करेंगे, क्योंकि सब लोग आपसे बातें करना पसंद करेंगे, सब लोग आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे, अगर आपका नेचर जो है वो है फ्रेंडली। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है ये आपकी लुक को अट्रैक्ट करने की। इसी चीज़ों को ही लोग देखते हैं कि काफ़ी अट्रैक्ट करने वाली ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आता है कि आपको रिलैक्स और अपने प्रेजेंट टाइम पर ध्यान देना है। पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट टाइम में खुश रहिए। फ्यूचर का टेंशन लेना बनता है, बट इतना भी नहीं कि आप उस फ्यूचर की टेंशन ले लेके पागल हो जाएं। प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से स्पेंड कीजिए। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आगे आने वाला टाइम भी अच्छा ही होगा। इसके बाद आता है रियल, ऑनेस्ट एंड रियल रहिए अपनी लाइफ में। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पार्ट है ये आपकी अट्रैक्टिव लुक का। और अपनी लाइफ में सिंपल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, रियल रहिए, यही सब हैं आपकी लुक को अट्रैक्ट करेंगे, और इन्हीं चीज़ों से आपको लोग जज करेंगे कि ये पर्सन की जो पर्सनैलिटी है काफ़ी अट्रैक्टिव है और ब्यूटीफुल है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये जो मैंने आपको 10 टिप्स दिए हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, मेरे
खुद के साथ हुए हैं, मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और मुझे काफ़ी चेंज लगा है अपने अंदर, तो तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को मोर अट्रैक्टिव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।